अबे रोक ही दू साले, वैसे इतना लेट हो रहे और वो सब पहुंच भी गए होंगे वहां पर। अबे पेट्रोल खत्म हुआ है साले। ओहो, गरीबों के साथ तो कहीं जाना ही बेकार है। अच्छा जी, तो ऐसा रईस चंद गोखले जी, मुझ गरीब को तो मेरे हालात पे छोड़ दो और आप अपने उस शाही वाहन पे आ जाओ। वो जो दूधिया वाली साइकिल है ना तेरी, तू उस पे आ, ठीक है? मतलब अब छोटा भाई बड़े भाई से मजाक भी नहीं कर सकता? अरे यार, तुझे मजाक की पड़ रही है? यहाँ साला 7 साल बाद तो दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, उसमें भी इस बाइक ने धोखा दे दिया। अबे तो तू क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा भाई खड़ा है ना। तो भाई, भाई शेख है क्या? भाई के तेल के कुएं? अबे तू रुक, देख। भाई 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 भाई, वो हमारी बाइक का ना पेट्रोल खत्म हो गया था, थोड़ा पाउंड लगा दोगे इसमें? हाँ अभी ले। अबे इतने गिरे हुए लोग हैं ना यार यहाँ के, बस मैं क्या ही बताऊं। अबे बाप का दूध पिया तो रुक रहा साले। अबे बाप का नहीं, माँ का साले, जो भी है। कहाँ रह गए यार ये दोनों? एक मिनट रुक, पूछता हूँ। भाई कहाँ रह गए आप दोनों? अबे ये क्या कर रहा तू? तो मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरी जेब में है क्या दोनों? अरे भैंस क्यों कर रहे हो यार, हाथों पाई कर लो, हाथों पाई साले देखो तो। अबे यार इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुम दोनों ने? अरे यार वो बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था एक दोस्त की बाइक में, तो उसको पेट्रोल वगैरह पकड़ा के आए ना भाई, उसी में टाइम लग गया बस। हाँ जो भी है। हाँ हाँ ठीक है, चलो यार कुछ खाने चलते हैं। हाँ चलो, पर यार इतने बंदे आ जाएंगे भाई हम एक बाइक पे? बाइक पे भाई, हम तो अपनी कार लाए यार। कार? सालो, स्कूल में तो तुम साइकिल भी मेरी उधार मांग मांग के चलाते थे, तुम ये गाड़ियां कैसे ले आए, वो भी इतनी बढ़िया बढ़िया। अबे स्कूल में तो तू भी कितने चंपू बाल रखता था, और अब देख कितने बढ़िया बाल रख रखे हैं। भाई मेरे तो इतना डैंड्रफ हो रहा है ना, उसकी वजह से मेरे सारे बाल झड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं कुछ दिनों में टकला ना हो जाऊं। अबे तो भाई इसका कुछ करता क्यों नहीं है? भाई बनिए की दुकान से लेके सब शैम्पू ट्राई कर लिया और कुछ नहीं हो रहा उनसे। भाई बनिए की दुकान को छोड़ और यूज कर मुझटेक का हेयर ग्रोथ कॉम्बो। हेयर ग्रोथ क्या? अबे रुक दिखाता हूँ। सूरज मेरा वो कुरियर दियो भाई जो सुबह आया था, मेरा भी कॉम्बो खत्म हो गया था, आज ही आया भाई। ये देख, ये है मुझटेक का नया बालों को बढ़ाने वाला कॉम्बो, ये तेरे डेंड्रफ को भी जड़ से खत्म करेगा और तेरे बालों को भी बढ़ाएगा। वो कैसे? इसमें आता है मुझटेक का ये हर्बल शैम्पू, ये कोई नॉर्मल शैम्पू नहीं है भाई, ये एकदम नेचुरल शैम्पू है जो तेरा डेंड्रफ भी जड़ से खत्म कर देगा और तेरा हेयर फॉल को भी बंद कर देगा। और इससे नहाने के बाद तुझे यूज करनी है मुझटेक की ये कोको एलो हेयर ग्रोथ क्रीम, ये तेरे बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगी और तेरे बाल बिल्कुल सेट और स्टाइलिश भी रहेंगे एकदम मेरे जैसे। भाई तेरे बाल तो अलग ही है यार, मुझे दे देना ये दोनों प्रोडक्ट्स। मैं क्यों दूं अपने, सूरज रखियो भाई, तुझे चाहिए ना भाई तो तू ऑनलाइन मंगवा ले, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी घर बैठे बैठे। पर यार ऑनलाइन मंगवाऊं कैसे? अबे रुक, मैं तुझे ऑर्डर ही करके दिखाता हूँ भाई। देख वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तू वहाँ पे भी क्लिक करके और अपना एड्रेस डाल और घर बैठे बैठे मंगवा ले, 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। और तू ऐसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे भी ऑर्डर कर सकता है, बस बाय नाउ पे क्लिक कर और मंगवा ले। और दोस्तों मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत फ़र्क दिख रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत शानदार फ़र्क दिखेगा अपने बालों में। चल ठीक है अब चलें। अबे चल तो लेना, पर ये तो बताओ तुम ऐसी ऐसी गाड़ी कैसे लेके आए? साले चंदन वंदन की तस्करी कर रहे हो क्या पुष्पा भाऊ की तरह तुम? बे पागल है क्या, ये गाड़ी तो हमें ब्याह में मिली है। ब्याह में मिली है? और क्या भाई, ये अंगूठी, ये चेन, ये गाड़ी, घर का पूरा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सब दहेज का माल है। ओ बस सही है यार, लगता भाई अब मुझे भी ब्याह करना ही पड़ेगा। अबे तुझे ना देगा कोई फूटी कौड़ी भी। भाई सबको नहीं मिल जाती ऐसी गाड़ी, घर और सिस्टम सब देखा जाता है। हाँ तो ऐसी गाड़ी चाहिए भी किसको, हमारे भाई को तो फोर्ड की फॉर्च्यूनर मिलेगी। अबे टोयोटा की? हाँ जो भी है। ओम कौवा चला हंस की चाल, सालो घूम तो रहे हो स्प्लेंडर पे और गाड़ी चाहिए तुम्हें फॉर्च्यूनर। अबे ढंग में बात कर ले तू, फॉर्च्यूनर छोड़ जैगवार भी आ जाएगी ना, ये स्प्लेंडर तो फिर भी रहेगी, इसके बारे में फालतू नहीं। तू ही तो हो रहा राजकुमार, तुझे ही देगा कोई फॉर्च्यूनर जैगवार। देख लेंगे बेटा, अब की सर्दियों में कार देने आऊंगा तुम्हें, नए कोट पैंट सिलवा लेना, और उनके पैसे ना हो ना तो वो भी अपने ससुरारियों पे ही मंगवा लेना, लेकिन मिलेगी तो अब मुझे फॉर्च्यूनर ही, चाहे सेकंड हैंड ही मिले। पर तू चुप करना यार। दो चाय ले लियो भाई। दो मिट्टी भी कर दियो। समझा कर यार, टेंशन बहुत हो रही है, कुछ तो करना पड़ेगा।
अबे क्या देख, एक बात बताऊं भाई, फॉर्च्यूनर इतनी भी जरूरी नहीं है, बस तुझे एक ऐसी लड़की मिल जाए भाई। कह तो तू सही रहा है यार। अबे शक्ल तो देख ले अपनी। इनका ख्याल मन से निकाल दो भैया, ये चौधरी साहब की लड़की है। कौन चौधरी साहब? अरे गुजर है नोएडा के, नोएडा में उनके 8 रेस्टोरेंट है। ले हो गया कौन? हाँ इनका होटल लूट लेते हैं। होटल नहीं रेस्टोरेंट साले। हाँ जो भी है। अबे लूटना कुछ नहीं है, देख लड़की सुंदर भी है और पैसे वाली भी है, तो मिल गई फॉर्च्यूनर। अरे गुजर है वो। अबे हम भी तो गुजर ही हैं। अरे लेकिन भैया गुजरों में शादी लड़की को पटाने से नहीं, लड़की के बाप को पटाने से होती है। बाप को? आइडिया सुन। अरे भाई मजा आ गया, चल निकलते हैं। चल हेलो सर, क्या लेंगे आप? भैया यू तो फॉर्च्यूनर लेगा है, तो पे तो दे दे। अरे कहा है बकवाद कर रहा हो तू? एक काम कर भैया, 4 तो पूरी और उनकी 11 पनीर की सब्जी ले आवा। एक काम और कर दे, मुझको एक 9 एप्पल रायता और लिया। यू मीन पाइनएप्पल? हाँ वो जो भी है वो। चल कोई बात ना, लिया बड़े बड़े कॉमन में भाई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो लगे ही रहे। अच्छा भाई तुम लौंडा देखने गए, कहा रही बाकी? भाई लौंडा की कहा बताऊं तुझे, ऐसा लौंडा लौंडा ही हो खताई, मतलब 6 फुट लंबा तो कद, खताई दूध से सफेद गोरा रंग, अरे या लंबी इतनी लंबी तो नाड़ी जी, चलता हुआ भी बैरी ऐसे लगे जैसे हो सारस चल रही हो सारस, मतलब लौंडा का हुसन खिलाया हुसन। अच्छा जी, और घर? घर की तो पूछ ही मत, घर नो महलों का तो महल, और 4 गाड़ी खड़ी फिर भी लौंडा चल रहा है स्प्लेंडर पे, कतई मतलब कोई शो ऑफ नहीं, कोई भी शो ऑफ नहीं भाई। वाह, अब कल जाऊंगा अपने साडू वाले के वहां लौंडा देखने, साडू की लौंडिया को बस वासु, पहले कोई पढ़ो लिखो इंटेलिजेंट, कोई ऐसा आदमी जाके 5-7 रेस्टोरेंट हो, ऐसा कोई वहां देख के पक्का नौकरी आ लौंडा। अच्छा है कहाँ के वैसे भी? राजापुरी में गली नंबर 2 और कोठी नंबर, अरे लिख जो ले, गली नंबर 2 और कोठी नंबर 1 लिख लिया। चले अब एक काम कर भैया, तू इन्हें पैक कर दे और पिचाण में कनावनी वह पहुंचा दी जो, ठीक है? ठीक है जी भाई साहब, रोम रोम। और तुम भी हमको दुआ करियो, और कोई पढ़ो लिखो समझदार ऐसा जाके 4-5 रेस्टोरेंट हो वह लौंडा के घर पहुंच न जा, नहीं तो बाकी लौंडिया की किस्मत ही बन जाएगी खताई। अरे भाई ये 1 नंबर के फ्रॉड है यार, फ्रॉड। ठीक है जी रोम रोम। ठीक है जी, ठीक है। हेलो। हाँ भगवान, मेरे एक जोड़ी कपड़े तैयार कर देना, कल मुझे बिटिया के लिए रिश्ता देखने जाना है। ठीक है, ओके बाय बाय बाय। हेलो। अरे आई कोई ऐसी गाड़ी? नहीं यार, आते ही बताता हूँ। ओके बाय। इतना सज धज के कहाँ जा रहा है? मम्मी वो एक मीटिंग है मेरी। मीटिंग? नाले पे खड़े होके छोले कुलचे खाने को मीटिंग ना कहते? अरे मम्मी आपको नहीं पता, आप जाओ मैं रेडी हो रहा हूँ। ठीक है
हेलो। हाँ भाई, वो गाड़ी आ रही सामने से तेरे असुर की। असुर नहीं, ससुर साले। हाँ जो भी है ठीक है, अगर तेरे से रास्ता पूछे ना तो बोल दियो मैं भी वहीं जा रहा हूँ और उनके साथ गाड़ी में बैठ के आ जियो। ओके ओके भाई, बाय 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 बाय। भाई। हाँ जी, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वैसे आपको कहाँ जाना है? राजपुरी गली नंबर 2 कोठी नंबर 1। अरे वो मेरे दोस्त और मैं उसी के पास जा रहा हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। अंकुश जल्दी जा बाहर, तेरे रिश्ते वाले आए हैं। रिश्ते वाले मतलब? अरे मतलब तेरे को लड़की वाले देखने आए हैं। आज तो तूने कपड़े भी ठीक ठाक पहने हुए हैं, जा जल्दी जा, बुला रहे हैं तेरे को बाहर। ठीक है जी। राम राम जी, राम राम। राम राम। बेटा आपकी शक्ल कहीं देखी हुई लग रही है। मेरी शक्ल? हाँ जी, टीवी पे देखी होगी। अब हमारी वीडियोस टीवी पे भी आने लगी, सोमवार और मंगलवार दोपहर 1 बजे क्यू चैनल पे। अरे वाह भाई, लड़का तो हीरो निकला। वैसे बेटा पढ़ते क्या हो आप? मैं जी अब किताब ही पढ़ता हूँ। मेरा मतलब कहाँ पढ़ते हो आप? मैं कहीं भी पढ़ लेता हूँ अंकल जी, मतलब बेड पे होता हूँ तो बेड पे पढ़ लेता हूँ और अगर टेबल कुर्सी मिल जाते हैं तो उन पे पढ़ लेता हूँ। पढ़ाई के लिए तो देखो लगन चाहिए जी बस। मेरा मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं जी अंकल जी मैं आपको बताता हूँ, ये ऊपर जाके राइट साइड में पहली क्लास जो पढ़ती ना उसमें पढ़ता है। चुप बोल पट्टा, ये तेरी डिग्री पूछ रहे हैं? डिग्री? अच्छा डिग्री, मैं जी एमए फाइनल ईयर में हूँ। अरे वाह जी वाह जी। जोत्रे साहब अपनी जमीन वगैरह? जमीन कोई कमी ना हो जी, जमीन तो गोमे कोई 100 UP पड़ी। अरे वाह चौधरी साहब, जमीन की तो मौज कर दी। वैसे चौधरी साहब आपकी कोई डिमांड वगैरह तो नहीं होगी? ना जी कोई डिमांड। हाँ जी बस एक फॉर्च्यूनर दे देना। क्या? हाँ जी। चुप उल्लू का पट्टा, साले इतना मारूंगा, मार मार के खाल तार दूंगा कभी बैठा हूं तो फॉर्च्यूनर में। पापा जी आप बेशक मुझे पीट लो या जान से मार दो, पर गाड़ी तो मैं फॉर्च्यूनर ही लूंगा। मैं नु कह रहा हूं तू चुप रह जा, नहीं तो आज मैं तेरी मार मार के खाल तार दूंगा। खाल लेने दो अंकल जी, इसके बाल उतरवा दो। पापा जी आप प्लीज समझो ना, मेरी इज्जत का सवाल है। तेरी इज्जत की तुम्हें? अंकुश। हाँ जी आ रहा हूं। चौधरी साहब सब ठीक है, लेकिन जिस घर में दहेज मुंह खोल कर मांगा जाए उस घर में मैं अपनी लड़की नहीं दे सकता। अजी चौधरी साहब ऐसी कोई बात नहीं, जरूर किसी ने शिकायत दी हो। ये तेरी कौन होंगे? यार मैंने क्या करा यार? हाँ मम्मी। बात कर अपनी बहन से। हेलो भाई, तेरे जीजा जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? क्यों? वो बोल रहे हैं कि तू दहेज कम लेके आई है। भाई तू प्लीज जल्दी आ जा। ठीक है आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे है तू? आ जा जीजा की बुद्धि सेट करिए। एकदम चुप, इधर आ। अपनी बहन के लिए तुझे इतना दुख हो रहा है और जो तू बाहर करके आया है वो भी दहेज के लालच में, वो किसी की बहन नहीं है। ठीक है तेरी बहन, कुछ नहीं हुआ उसको। मैंने ही बोला था उससे ये सब बोलने के लिए ताकि तेरी अकल ठिकाने आ सके। अब जा बाहर और सबसे माफी मांग। ठीक है जी। अजी भाई साहब मेरी बात तो सुनो। नहीं जी बस बस। सूरज देख, मैंने तेरे से कही थी ना। क्या? अबे यही कि ये ऐसे लोग नहीं है भाई। कैसे? अबे दहेज की सोच रखने वाले। मतलब? मतलब ये अंकल जी कि जैसे दहेज लेना पाप है ऐसे दहेज देना भी तो पाप है ना, तो हमने सोचा कि हम एक ऐसे घर में रिश्ता करेंगे जो दहेज लेने देने की बात ही ना करे। पर आज ना अंकल जी आपने हमारी छाती चौड़ी कर दी। नहीं बेटा, गाड़ी तो हम देते स्कॉर्पियो। नहीं जी बस, गाड़ी छोड़ो, अब तो मैं एक सुई तक भी नहीं लूंगा, सुई तक भी। अरे एक बाप अपनी बेटी दे रहा है बेटी, इस दुनिया में उससे बड़ा क्या दहेज होगा आप बताओ मुझे। चुप हो जा, चुप हो जा। भाई वाह, चौधरी साहब बेटा होता आपके जैसा वरना ससुरा होते ही मर जाए। चौधरी साहब मेरी तरफ से रिश्ता पक्का।
अब आपको आना जी एक दो दिन बेटा को देखने। जी जरूर जी जरूर आओ। आओ जी आओ जी। ये तो चौधरी साहब बच्चों के नसीब है। बिल्कुल जी बिल्कुल बच्चों के जी। अब हम जी क्या कर सकते हैं। अच्छा ही चौधरी साहब। अच्छा जी राम 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 जी राम राम जी। अच्छा अंकल जी वैसे मेरी साली कितनी होगी टोटल चाचा ताऊ की मिला के? मजाक कर रहा है जी। मजाक कर रहा है तो। अबे किसके साथ रिश्ता कर दिया? इसके साथ तो मैं अपनी कुतिया भी ना ब्याहूं। सूरज पकड़ साले को आज। भाई मैं तो फोन पे बात करो। अबे भाई मैं तो फोन पे बात करो। अबे तो गाइज कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके आपको ये बताना है कि दहेज प्रथा के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये चलती रहनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस पर ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज आती रहेंगी। और अगर आप भी अपने बालों को मेरी तरह हेल्दी रखना चाहते हैं तो यूज़ करें मूचटेक का नया हेयर ग्रोथ कॉम्बो। ये आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। लव यू ऑल।